और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गेहूं के आटे और मूंगफली से बनने वाली मज़ेदार रेसिपी, जिसे आप झटपट से घर पर बना के तैयार कर लेंगे और जब भी मीठा खाने का मन करे तो इस मिठाई को बना सकते हैं। इतनी सॉफ्ट और मुलायम है, आप देखिए कितनी बढ़िया ये बन के तैयार हुई है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए मूंगफली दाना, तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी कच्ची मूंगफली ली है, जिसे हम इस तरह से डालकर अच्छे से भूंज लेंगे। अगर भूंजी हुई मूंगफली भी खाना आपको पसंद है तो इस तरह से आप मूंगफली को कभी भी भूंज कर रख सकते हैं, जैसे मैं आज आपको बताने वाली हूँ। इनको हमें धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूनना होगा ताकि ये अच्छे से अंदर तक सिक जाए। इस समय हमें आंच को बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना है, सारी मूंगफली को हमें धीमी आंच में ही भूनना है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि मूंगफली चट-चट बोलेगी, और इस तरह से चेक भी कर सकते हैं आप। एक मूंगफली का दाना उठाएंगे तो इसका लाल वाला छिलका अपने आप ही निकल के साफ होता रहेगा। तो मूंगफली हमारी भूंज के तैयार हो गई है और इसे अब हम निकाल देते हैं एक पेपर पे। पेपर में निकालने के बाद हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और अपने आप आराम से इसे ठंडा होने देंगे। इससे हमारी मूंगफली बहुत ही क्रंची बढ़िया बनके तैयार होगी। और जब अच्छे से ठंडी हो जाएगी तब हम इसे इस तरह से खोलकर इसका लाल वाला छिलका जो है वो अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस तरह से हाथों से इसे मसल लेंगे, और जैसे ही हम इसे मस लेंगे इस तरह से इसका लाल वाला पार्ट निकलने लगेगा। इसी तरह से हम इसे मसलते हुए निकाल लेंगे और फिर लाल वाले छिलके को हटा देंगे। तो बस इसी तरह से हम मसलते जाएंगे और मूंगफली का लाल वाला छिलका हटा देंगे। और अब हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। अगर एक दो में लाल वाला छिलका रह गया है तो कोई बात नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली मिठाई में। और मिक्सी का मैंने यहाँ पे जार ले लिया है और इस मूंगफली को हमें डाल देना है एक मिक्सी के जार में, और अच्छे से अब हमें इसे ग्राइंड कर लेना है, यानी महीन पीस लेना है। मिक्सी को हमें रोक रोक कर ही चलाना है। और यहाँ पे मैंने अब एक पैन ले लिया है और एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे देसी घी। देसी घी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे एक कप गेहूं का आटा। अगर आप इस मिठाई में गेहूं का आटा नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मूंगफली से भी मिठाई बनाकर रख सकते हैं। गेहूं के आटे का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब गेहूं के आटे को हम धीमी आंच में लगातार चलाते हुए भूंज लेंगे जब तक कि इससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए और हल्का सा इसका कलर चेंज ना हो जाए। और देखें, इस आटे का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। मैंने धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए इस तरह से भूंज लिया है। इसी तरह से अच्छे से भूंजा हुआ आटा ही हमें चाहिए मिठाई को बनाने के लिए। और इसमें अब हम डाल देंगे जो हमने मूंगफली पीस के रखी है, इसे भी एक मिनट के लिए इस आटे में अच्छे से मिक्स करते हुए चला लेंगे। इसी तरह से चलाते रहेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इन दोनों चीज़ों को निकाल लेंगे एक प्लेट में। और यहाँ पे मैं फिर से पैन ले लूँगी। आधे कप मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप मिठाई में चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी डाला है, बस चीनी घुल जाए इतना पानी हमने इसमें डाला है। ऐसा करने से क्या होगा कि हमें ज़्यादा देर तक चाशनी को पकाना नहीं रहेगा, और जैसे ही चीनी हमारी घुलेगी चाशनी हमारी तैयार हो जाएगी। पर इसे हमें चलाना रहता है, छोड़ना नहीं रहता है, बस इस तरह से इसे चलाते रहना रहता है ताकि चीनी अच्छे से घुल पाए। और चीनी घुल गई है तो एक मिनट के लिए बस हम इसे और पकाएंगे और इसके बाद हम इसे चेक करना बताएंगे।
एक कटोरी मैंने ली है यहाँ पे चेक करने के लिए। इस पर एक बूंद गिराई है और ये जो बूंद है वो बहकर नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर नीचे तरफ आ रही है तो भी चाशनी हमारी तैयार नहीं है। और ये परफेक्ट चाशनी हमारी तैयार हो गई है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और बंद गैस में इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तभी हम गैस को ऑन करेंगे, नहीं तो बंद गैस में इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि चाशनी हमारी गर्म थी तो इस मिठाई को बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर अपने पसंद का डालकर इसे कलरफुल भी बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे कलर का इस्तेमाल नहीं किया है, इसे सिंपल ही रखा है। और ड्राई फ्रूट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी अपने पसंद के इस समय ड्राई फ्रूट डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा सूखा है और ये चाशनी अच्छे से नहीं वो हो पाई है, और मेरी चाशनी इस तरह से हो रही है सूखा सूखा बिखरा बिखरा है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे आप इसे सेट करेंगे तो सेट हो जाएगी, और नहीं तो आप चाहें तो इसमें थोड़े से पानी के छिट्टे भी लगाकर इसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। इस तरह से आपको पानी के छिट्टे लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। इस तरह से जब पानी के छिट्टे लगाएंगे ना तो ये कंबाइंड सा होने लगेगा। अगर लगे बिखरा बिखरा है तो थोड़े से पानी के छिट्टे लगाना है और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरीके से। और जैसे ही हम इसे मिक्स करेंगे, जैसे ही इसमें पानी के छिट्टे पड़ते हैं ये कंबाइंड होना शुरू हो जाता है। और देखें बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो जाएगा और पैन को बिल्कुल छोड़ देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर चाशनी आपकी तेज़ हो गई है तो भी कोई इस मिठाई में दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इस मिठाई को बना पाएंगे। जैसे मैंने बताया है कुछ भी नहीं करना रहता आपको, बस थोड़े से पानी के छिट्टे लगाना पड़ता है। जब भी कभी चाशनी टाइट हो जाए तो हल्के से पानी के छिट्टे लगाइए और सॉफ्ट मुलायम बर्फी बनाकर तैयार कर लीजिए। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये हमारा बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने एक ट्रे ले ली है और ट्रे को मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है इस मिठाई को सेट करने के लिए। और देखें ये मिठाई का कलर कितना प्यारा आया है, एकदम मामा के जैसे। हमने इसमें मूंगफली का फ्लेवर डाला है तो ये मिठाई बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। इस तरह से मैं इसे चम्मच से अच्छे से चिकना कर दूँगी। आप चिकना नहीं करना चाहते हैं तो हाथों की सहायता से भी इसे दबा सकते हैं। पहले हम चम्मच से एक सा कर देंगे और मैं उंगलियों की सहायता से इसे दबाकर एक सा करूँगी। इस तरह से हम उंगलियों की सहायता से इसे फैला देंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगेगी, और जैसे ही हम इसे इस तरह से फैलाएंगे इसमें उंगलियां सी बनती जाएंगी। आप चाहें तो इसे प्लान भी कर सकते हैं, पर मैंने अगर उंगलियां बन रही थी तो इस डिज़ाइन को रखा है मिठाई के ऊपर, और इस तरह से मैंने एक सा कर लिया है। और देखें मिठाई के ऊपर अच्छी सी डिज़ाइन भी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे अच्छे से सेट होने के लिए। आप चाहें तो इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं 10 मिनट के लिए जल्दी सेट करने के लिए, पर मैंने फ्रिज में नहीं रखा है, ऐसे ही छोड़ दिया था। और अब हम इसे इस तरह से गोल साइज का काट लेंगे कुकीज कटर की सहायता से। आप इस मिठाई को चौकोर पीस में भी कट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे गोल आकार में इस मिठाई को काट लिया है। तो सारी मिठाइयाँ अब हम इसी तरह से काट कर निकालेंगे, और निकालते समय हम चाकू की सहायता से इस मिठाई को इस तरह से निकाल सकते हैं या किसी चीज़ की सहायता से। और देखें सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है, बहुत ही बढ़िया बनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर एक एक काजू भी रख सजा सकते हैं, जिससे इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी। तो सारी मिठाई को अब हम इस तरह से निकाल लेंगे। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसके ऊपर
इस तरह से मेरे पास ये कलरफुल नारियल है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, और ये मार्केट में भी मिलता है कलरफुल नारियल, ये मैंने इसके ऊपर लगाया है। आप चाहें तो यहाँ पे काजू या बादाम या पिस्ता का इस्तेमाल कर सकते हैं इस मिठाई को सजाने के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे नारियल इसके ऊपर लगा दिया है जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा सुंदर और बढ़िया दिखने लगेगी, बिल्कुल अलग स्टाइल में। और मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है, एकदम सॉफ्ट मुलायम है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई। आपको तोड़ के दिखा देते हैं कितनी सॉफ्ट है। इस मिठाई की रेसिपी आप ट्राई करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कैसी लगी आज की रेसिपी आपको।